नमस्कार दोस्तों, एसएससी माइंड ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस एग्जाम के सभी क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है? हमारे ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता। इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? हमारे ऑप्शन है योजना आयोग, संविधान निर्मातृ सभा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान निर्मातृ सभा। जैसा कि आप जानते हैं, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, जो विभाजन के बाद इसकी सदस्यों की संख्या 299 रह गई। इसमें से 70 देशी रियासतें थी। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, इसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949। तो हमारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको इन्फोर्स्ड किया गया यानी लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, तो वहीं पिछला वाला क्वेश्चन इसमें आ गया, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? इसके ऑप्शन है इसको शुभ दिन माना जाता है, उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है 26 जनवरी, 25 जून, 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त या फिर 26 नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया। तब से भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसके ऑप्शन है दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर और देहरादून। तो इसका सही उत्तर होगा देहरादून। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मूल संविधान में कितने शब्द हैं? इसके ऑप्शन है 40,000, 60,000, 80,000 या फिर 120,000। इसका सही उत्तर होगा 80,000। भारत में संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग तथा इसे अंग्रेजी में लगभग 80,000 शब्द थे। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग तथा
अंग्रेजी में लगभग 117,369 शब्द हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को सबसे बड़ा लिखित संविधान है? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका या भारत? इसका सही उत्तर होगा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, भारतीय पुरातत्व संरक्षण है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? इसके ऑप्शन है गति, सत्य, विकास एवं भविष्य। इसका सही उत्तर होगा सत्य। चलिए इसके बारे में देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसमें समानांतर तीन रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर गहरी केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। इसके ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। सफ़ेद पट्टी केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें 24 तीलियां होती है। अशोक चक्र जीवन में सत्य, न्याय, प्रगतिशीलता एवं प्रगतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की कितनी तीलियां हैं? अभी अभी इसे देखें हम लोग, इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 12, 16, 8 और 24। इसका सही उत्तर होगा 24। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? हमारे ऑप्शन है आर के षटमुखम चेट्टी, लियाकत अली खान, जॉन मथाई, सत्यनारायण सिन्हा। इसका सही आंसर होगा पहला आर के षणमुखम चेट्टी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 387, अनुच्छेद 386। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 388। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अंतरिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इसमें कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए थे और कुछ अनुच्छेद भी उसी दिन लागू हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? इसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930 या 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इसका ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान या भारत। इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है? इसके ऑप्शन है स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या पंचायत। इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विसदनीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सरकार की विशेषता है? हमारा ऑप्शन है संसदीय सरकार,
अध्यक्षीय सरकार, संघीय सरकार या एकात्मक सरकार? इसका सही उत्तर होगा संघीय सरकार। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम आपसे फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।